उसका जन्म 1962 में अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक स्वदेशी कोल समुदाय में हुआ था। शंकरगढ़ के हिनौता गांव का रहने वाले राजा ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। वो कभी बहस नहीं करता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। अपनी कल्पनाओं में वो खुद को विक्टिम मानता था। उसके 3 बच्चे थे और उनका नाम आंदोलन, अदालत और जमानत रखा। उसने अपनी पत्नी का नाम बदलकर फुलन देवी कर दिया ताकि ये अधिक रौबदार लगे। फुलन देवी स्थानीय पंचायत की सदस्य थी और राजा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक एडहॉक एम्प्लॉय और ड्राइवर के तौर पे काम करता था। वहीं पास में उसने पिगरी फार्म बना लिया था। वो एक बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता था और ऊंचाई पर बने रहने के सपने देखता था। जब वो कोई गाड़ी खरीदता तो वो पावर सिंबल के लिए खरीद, इसलिए नहीं क्योंकि वो पसंद करता है। राजा अक्सर लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो ब्याज लेना चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि वो दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में होने का भाव रखना चाहता था। एक सरकारी दफ्तर में एडहॉक का काम करने वाले राजा ने उस समय लाखों रुपए ब्याज पर बांट रखे थे। December 14, 2001 को एक स्थानीय हिंदी दैनिक आज के लिए काम करने वाले पत्रकार धीरेंद्र सिंह लापता हो गए। उसे उसी दिन काम खत्म करके अपने गांव बैरी पहुंचना था, जो प्रयागराज से लगभग 3 घंटे की ड्राइव पर था। जब वो 2 दिन तक नहीं लौटा तो उसकी पत्नी और भाई वीरेंद्र सिंह को चिंता सताने लगी और उसकी सूचना पुलिस को दी। ये जल्द ही शहर में चर्चा का विषय बन गया कि एक पत्रकार अचानक गायब हो गया है और पुलिस को इस बात का कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ था। इसने शहर और उसके अधिकारियों की छवि खराब की, क्योंकि दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा कुंभ मेला उसी साल आयोजित किया गया था। तत्काल परिणाम देने के लिए पुलिस पर अतिरिक्त दबाव था। वो नहीं चाहते थे कि तीर्थयात्री ये सोचें कि एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। किड़गंज थाने के SHO श्री नारायण त्रिपाठी को तुरंत मामले की जानकारी दी गई और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। 20 साल पहले फोन सर्वेलेंस टेक्निक इतनी विकसित नहीं थी, फिर भी उनकी टीम ने धीरेंद्र के मोबाइल फोन को ट्रैक किया, जिससे 16 दिसंबर की रात को एक लैंडलाइन पर कॉल किया गया था। तब बहुत से लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे और अपराधियों को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि बिना सुराग छोड़े इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आखिर फोन कॉल प्रयागराज के छिवकी में एक लैंडलाइन नंबर पर किया गया था। लैंडलाइन फुलन देवी और उसके पति राजा कलंदर के नाम पर था। वीरेंद्र और ऑफिसर त्रिपाठी उनकी टीम के साथ पते पर गए और पूछताछ की कि क्या उनके भाई उनसे मिलने आए थे। वो फुलन देवी से पहले से ही परिचित थे। इस बीच ऑफिसर त्रिपाठी गांव के बाहर गली में खड़े थे, तभी उन्होंने एक गाड़ी को अपने पास से गुजरते देखा। उसमें राजा बैठा था। जाहिर तौर पर जब पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा तो राजा टाटा सुमो में अधिकारियों से भाग रहा था। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसे अपने हिरासत में ले लिया। गाड़ी में उसके साथ उसका साला बक्शराज कोल भी मौजूद था। उसने एक जोड़ी जूते पहने थे जो महंगे लग रहे थे, लेकिन जब उसने यह इनकार किया कि वो केवल कुछ 100 रुपए के हैं तो पुलिस का शक और भी मजबूत हो गया। राजा ने कई अपराध स्वीकार किए, लेकिन धीरेंद्र की हत्या की बात उसने नहीं कबूली। अब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक रूप से उसे तोड़ना शुरू किया। उसकी पत्नी और बच्चों को थाने लाया गया। यही वो टूट गया। उसने धीरेंद्र के विषय में तमाम बातें बताई। बहरहाल खुलासा झंझोर देने वाला था। करीब 3 बजे सुबह होने के कुछ घंटे पहले राजा ने कबूल किया कि उसने धीरेंद्र को मार डाला था। उसके बहुत सारे अवैध और अनुचित साइड बिजनेस थे। उसे डर था कि धीरेंद्र पत्रकार होने के नाते उसका पर्दाफाश कर देगा। उसने वक्षराज के साथ उसकी हत्या की साजिश रची और पत्रकार को सुअर के फार्म में ले जाकर गोली मार दी। अपने कन्फेशन के अनुसार उसने दावा किया कि धीरेंद्र को उसके अवैध कार बिजनेस और हत्याओं की भनक लग गई थी। इससे पहले कि वो आगे की जांच करें, राजा ने उसका काम तमाम करने का फैसला किया। धीरेंद्र की हत्या राजा और उसके साले वक्षराज के साथ मिलकर की गई थी।
उसने उस दिसंबर की रात धीरेंद्र को अपने फार्म हाउस में बुलाया। जब दोनों आग सेकते हुए बात कर रहे थे, तब वक्षराज ने पीछे से आकर जर्नलिस्ट की पीठ में देसी कट्टा से गोली मार दी। वो उसके शव को अपनी गाड़ी में एक ऐसी जगह ले गए जहां उन्होंने उसके सिर और लिंग को काटने से पहले उसके कपड़े उतार दिए और शरीर को वहीं छोड़ दिया। राजा ने धीरेंद्र के शरीर को बेरहमी से छेद-छेद कर दिया और अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। उसका कटा हुआ सिर वन सागर झील में मिला था, जबकि अन्य हिस्सों को रीव शहर के कुछ किलोमीटर पहले दफनाया गया था, जो उसके नैनी फार्म हाउस से करीब 130 किलोमीटर दूर है। शव ले जाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो वही टाटा सुमो थी जिसमें वो पकड़ा गया था। उसने एक एक करके 14 कदल की बात कबूली। उसने करीब करीब एक ही तरीके से सबको मारा था। वो पहले पीठ पर गोली मारता और फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। टुकड़ों को दूर दूर गड्ढों में दफन कर देता था। कई लोगों को तो उसने अपने पिगरी फार्म में ही दफन कर दिया था। लगातार हत्याओं के बाद भी जब वो पकड़ा नहीं गया तो उसका मनोबल काफी बढ़ गया था। हत्या जैसा संगीन अपराध उसके लिए शौकिया खेल बन गया। पुलिस ने कई स्थानों पर छापा कर उन लोगों की हड्डियां बरामद की जिनकी उसने हत्या की थी। उसने काफी पैसा गाड़ियों को लूट कर कमाया था। तत्कालीन एसपीओ तिवारी ने इस कांड के खुलासे पर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलाहाबाद पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की थी। राजा छिपकी के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में ग्रेड 4 एम्प्लॉय के रूप में काम करता था। उसकी सैलरी और लाइफस्टाइल मेल नहीं खाती थी। उसके पास एक सुअर का खेत और 2-4 गाड़ी थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल अपनी आधिकारिक नौकरी से ही नहीं कमा रहा था। पुलिस ने उसके परिवार को भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि पुलिस को अब इस बात का पक्का सबूत चाहिए था कि उसने अपराध किया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि जब उसे मजिस्ट्रेट या निचले अदालत के सामने ले जाया जाए तो वो इससे इनकार कर दे। पुलिस आखिरकार धीरेंद्र के शरीर के विभिन्न हिस्सों और उसके खून से सने कपड़ों को खोजने में सफल हुए। धीरेंद्र का अंतिम संस्कार उसके गांव में किया गया। स्थानीय पत्रकार समुदाय ने विरोध के प्रतीक में जोर देकर कहा कि उसके सिर का प्रयागराज में अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। वीरेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके भाई की हत्या कर दी गई और उसे इतनी भयानक मौत का शिकार होना पड़ा। इस दौरान धीरेंद्र की पत्नी गर्भवती थी, वो भी एक दुर्घटना का शिकार हुई और उसके पति की हत्या के कुछ साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर राजा ने निडरता से पुलिस की जांच में मदद की, जैसे कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। पुलिस अधिकारी उसके सुअर के खेत से हत्या में इस्तेमाल की गई एक देसी पिस्तौल बरामद करने गए थे। संयोग से उन्हें एक लाल रंग की डायरी मिली जिस पर लिखा था राजा की डायरी। उसमें जो लिखा था उसे देखकर वो अपनी बुद्धि से परे चौंक गए। वहां 14 नामों का उल्लेख किया गया था और अंतिम नाम धीरेंद्र सिंह का था। पुलिस को तब पता चल गया कि अनजाने में उन्होंने एक सीरियल किलर को पकड़ लिया है, जो सिस्टम से छुपने में और अपने घिनौने काम को अंजाम देने में कामयाब रहा। उसका मानना था कि वो एक जिहादी है और अपने समुदाय का नेता है। उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वो सहानुभूति से रहित था और कहीं ना कहीं यह भी मानता था कि लोगों को मारकर वो उन पर उपकार कर रहा है। वो खुद को अपने समुदाय के राजा के रूप में देखना चाहता था। राजा ने इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसके मुताबिक उसने उन लोगों को कभी नहीं मारा और पुलिस ने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि वो सिर्फ एक बलि का बकरा चाहते थे। उसने कहा कि कुछ नाम जिन्हें पुलिस ने उसका शिकार बताया था अभी भी जीवित है। कुछ नाम जिसे पुलिस ने उसका शिकार बताया था अभी भी जीवित है और मीडिया ट्रायल में उसकी एक सार्वजनिक धारणा बन गई है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। उसके बच्चों के अनुसार वो किसी पे उंगली नहीं उठाता था और खून करना तो दूर की बात है। हत्याओं से पूर्व राजा कलंदर गाड़ी लूटने वाले गिरोह का नेता था। भले ही उसके अधीन लोगों ने पैसे के लिए उसका साथ दिया हो, लेकिन राजा के इरादे शुरू से ही हत्यारे थे, क्योंकि उसने इन चोरी के गाड़ी के अधिकांश ड्राइवरों को गोली मार दी थी।
वह कथित तौर पर किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध था, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस प्रवृत्ति को तब जारी रखा जब उसने अपने शिकारों से दोस्ती की और फिर उनकी हत्या कर दी। इनमें से कोई भी बात तब तक सामने नहीं आई जब तक राजा दिसंबर 2000 में प्रसिद्ध पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के भयानक अपहरण और हत्या से जुड़ा नहीं था। अधिकारियों ने उसके कबूलनामे के बाद जब उसके आवास की तलाशी ली तो उन्हें उसकी एक जर्नल मिली जिसमें धीरेन्द्र के नाम से पहले कई अन्य नाम लिखे हुए थे। राजा ने तब कहा कि उसने न केवल उन्हें मार डाला बल्कि उनका मांस भी खाया है। वो उनके शरीर को ठिकाने लगाने से पहले उनके दिमाग को खा लेता था। माना जा रहा था कि उसने तब तक कुल 14 लोगों की हत्या की थी। राजा के तौर तरीके चंद्रकांत झा से मिलते हैं, जिसमें पहले गोली मारना और फिर पीड़ित के शरीर को कई टुकड़ों में काटना शामिल था। फर्क बस इतना था कि चंद्रकांत जहां तिहार जेल के बाहर शवों को फेंकता था, वहीं राजा ने शरीर के कुछ हिस्सों को पकाना पसंद किया। उसकी नैनी फार्म हाउस से मिली डायरी जहां सभी हत्याएं की गई थी वो राजा की नरभक्षी प्रवृत्तियों का अधिक विस्तार में जानकारी देती। जाहिर तौर पर उसे अपने शिकार का दिमाग पकाकर खाना पसंद था। एक बार खोपड़ी से रस निकल जाने के बाद राजा खोपड़ी से बात करता, जिसे बाद में वो ट्रॉफीज के रूप में रखता था। उनका नरभक्षण काफी विचित्र था। उसने शिकारों के शरीर के अधिकांश हिस्सों को फार्म हाउस और आसपास के जलाशयों में फेंक दिया था। वो ज्यादातर खोपड़ी से आकर्षित था। उसके पहले शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक सहकर्मी काली प्रसाद श्रीवास्तव का ही उदाहरण ले। राजा ने सीओडी में काम करने वाले काली प्रसाद को 50,000 रुपए उधार दिए थे। काली प्रसाद ने रुपए वापस नहीं किए, लेकिन वो उसे अपराध कर पुलिस से बचने के अचूक नुस्खे बताता था। संयोग था कि 14 हत्याओं के बाद भी राजा कभी पकड़ा नहीं गया। हालांकि जब काली प्रसाद ने उसका पैसा नहीं लौटाया और राजा को लगा कि वो पैसा नहीं लौटाएगा, तब उसने उसका भी हश्र वहीं किया। वो काली प्रसाद को लेकर शंकरगढ़ गया और टंडन वन के पास गला रेत कर उसे मार डाला। उसकी खोपड़ी को भी पिगरी फार्म में ले आया और उबाल कर इसलिए खा लिया कि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और राजा को अपनी बुद्धि भी तेज करनी थी। राजा काली प्रसाद से प्रभावित था क्योंकि वह कायस्थ कास्ट का था। ऐतिहासिक रूप से शहरी और उच्च जाति के कायस्थ को औपचारिक शिक्षा का ज्ञान है, और कई अकाउंटेंट, रिकॉर्ड कीपर और स्क्राइब जैसे अधिकारी पद पर रहते हैं। उसके हिसाब से एक कायस्थ व्यक्ति के पास बहुत दिमागी ज्ञान होता है, और इसलिए राजा ने काली प्रसाद के ब्रेन सूप का लुत्फ उठाया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजा किसी कल्ट जैसे अनुष्ठान में शामिल था, लेकिन उसका अपने पीड़ितों की खोपड़ी के साथ एक अजीब लगाव था। वो खुद को इन खोपड़ियों से घेर लेता था और अपनी खुद की एक अदालत में सुनवाई करता था। सीरियल किलर के एक व्यवहार में एक गॉड कॉम्प्लेक्स काफी आम बात है, और हो सकता है कि राजा कलंदर ने अपने खोपड़ियों की ट्रॉफीज को देखकर ऐसा ही महसूस किया हो। जब खोपड़ी के साथ बातचीत काफी नहीं होता तो राजा फिर उन्हें रंग देता और अपने नैनी फार्म हाउस के बाहर पेड़ की शाखाओं पर एक धागे से लटका देता। शिकारों की जाति के प्रति उसका जुनून इस बात से स्पष्ट होता है कि कैसे प्रत्येक शिकार की जाति या सरनेम को उसने खोपड़ी के पीछे लिखा था, जिसमें श्रीवास्तव से लेकर पंडित और मुस्लिम तक शामिल थे। क्या ये एक विकृत मानव बलि अनुष्ठान का हिस्सा था या राजा कलंदर के गॉड कॉम्प्लेक्स का एक और प्रदर्शन था? दिसंबर 2000 को उसकी मूल गिरफ्तारी के बाद से राजा को अनिवार्य रूप से हिरासत में रखा गया था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए मुकदमा चलाने में 10 साल से अधिक समय लगा। इस तथ्य के बावजूद कि उसने जांचकर्ताओं को धीरेन्द्र और कुछ वास्तविक मानव कंकालों को जो उसके सुअर के खेत के पास दफन थे ढूंढने में मदद की, फिर भी राजा ने वास्तव में किस किस को मारा था उस पर अभी भी सवाल है। हालांकि अदालत ये बताने में सक्षम थी कि राजा ने अपने बहनोई वक्षराज के साथ धीरेन्द्र को मार डाला। कैनिबलिज्म और मास मर्डर के आरोपों का समर्थन करने के लिए
ज्यादा सबूत मौजूद नहीं है। 10 से अधिक वर्ष के बाद निर्णय लिया गया और राजा और बक्शराज दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। फिलहाल दोनों उन्नाव की जेल में सजा काट रही। राजा ने लगातार अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। वो कैद है और अभी भी जिंदा है। साल 2000 में राजा करंदर पर 14 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा। हालांकि उसने उनमें से केवल 3 का दोषी ठहराया गया और 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ पीड़ितों के कंकाल उसके सुअर के खेत में दफन पाए गए थे और जैसे कि पहले बताया गया, धीरेन्द्र का शव भी पुलिस अधिकारियों द्वारा बरामद किया गया था। राजा ने पुलिस को बताया कि उसके पास जो एसयूवी थी वो भी चोरी की थी। उसके ड्राइवर और कंडक्टर मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की भी हत्या कर दी गई थी। उच्च न्यायालय में राजा ने सजा का विरोध किया और केस अभी भी चल रहा है। एक एक्टिविस्ट हंसराज कोल का मानना है कि कहीं ना कहीं सिस्टम द्वारा उच्च जाति के शक्तिशाली लोगों ने राजा को जबरन परेशान किया है। उसके समुदाय को लोगों से बहुत पक्षपात का सामना करना पड़ा जो राजा के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी यह उसके कार्यों को सही नहीं ठहराता। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने खतरनाक आदमी को तब तक जेल में रखना चाहिए जब तक कि वो फिर से ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम ना हो जाए। राजा करंदर अभी भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जेल में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन वो आरोप को मानने से इनकार करता है और अपना दिन प्रार्थना में बिताता है। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।